अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा व्लॉग होता है स्टार्ट गाड़ी से। गाड़ी माशाल्लाह से मेरी 2 साल बाद आई है और माशाल्लाह उस गाड़ी के आने का ही मेरा इंतजार था और मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया व्लॉग अपने। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ऑफिस और ये गाड़ी में, वैसे मैं ऑफिस जाता नहीं हूँ लेकिन आज मुझे एक काम है, जोड़िया जाना है, मुझे अपने बकरों का दाना लेकर आना है। ठीक है, थैंक यू गाइस। सफर हमारा हो रहा है शुरू, तो देखते हैं इंशाल्लाह कितनी देर में हम लोग ऑफिस पहुँचते हैं और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम आपको जोड़िया भी लेके आएंगे। ड्राइव करते वक्त मैं नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सफर में अब हम जा रहे हैं जोड़िया बरका। आपके मथुरा का रास्ता भी दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं और ये आ गए इधर नाइट हाउस के शूज मार्केट हो गए, नाइट हाउस के शूज है इधर पुराना, नए डेली मिलते हैं शूज। और ये भाई जरा भाई चल के नहीं आ रहे, बहुत कम वक्त रह गया है, हम लोग पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह जोड़िया बाजार। और वीडियो बता दो, पहले सिटी गेट आएगा तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, और ये बच्चे देखें हमें देखने व्लॉग में और इंशाल्लाह वाला हम आपको दिखा देंगे। स्टार्ट हो चुके हैं बिल्कुल जोड़िया के अंदर। ठीक है, और ये सीधे आप लोग इधर सिटी गेट है, हाई कोर्ट है और उल्टे आप लोग जोड़िया बाजार है। हम आपको जैसे बेसिकली दिखा रहे हैं, ये देखें ये हाई कोर्ट के वकील बैठे हैं इधर, और ये रहा हाई कोर्ट और ये हाई कोर्ट है, सिटी कोर्ट है इधर, ये सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को लाता है। ठीक है, और ये गाइस ये जोड़िया बाजार है, इधर से हमारा स्टार्ट होता है जोड़िया बाजार। ये तमाम चीजें मिलती हैं, परिंदों की और चावल वगैरह, राशन करियाना का सामान मिलता है इधर, बेसिकली दालें चावल। में आपको पूरी मार्केट दिखाता हूँ और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं आपसे। सीधे आपका ये सिटी गेट, ठीक है, हाई गेट इधर देख सकते हैं, कितने सारे वकील वगैरह भी है। और ये देखें आप सिटी गेट, और अब आपको मैं दिखाता हूँ जाइस वगैरह की दुकान। ये है सिटी गेट, जो सारे जो केसेस वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, हेयरिंग वगैरह। और आप ये देखिए यहाँ पर मुगल राइस प्राइस है, राइस शॉप वाला मुगल वाला राइस है। और आपको मैं न्यू राइस भी दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हैं इसको बहुत बड़ा बोरिया लगा रही है। और ये मीठे दे दो आराम से मिला मम्मा के साथ वाली छोले बहुत ज्यादा मशहूर है। अभी तो हमारा चैनल स्टार्ट है, ये देखते हैं आगे सिद्धि गेट मोल छोले। हम मेरे बचपन से खाते आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत मजा आते थे चीजें और बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। आप इधर रस देख सकते हैं कितना रस है, आप इधर रस देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से इनके बाद मिल्क मिल्क को था भैया, क्या मिल्क है इधर, ये है सिटी गेट में मशहूर चल, ये देख सकते हैं आप। अंकल जी क्या है? हाँ देरी के लिए मैंने राइटर नहीं पाई है, जितनी बात है ये दूर है, मैं पुराना देने
भी करा, पेटा खड़ी कर दी, तो उसने बोला हाँ खड़ी कर दें आप। तो ये मैंने माशाल्लाह एक नीचे खड़ी कर दी है, थोड़ा गाड़ी का सामान रख दिया फिर का। आप लोग देख सकते हैं ठीक है, वो तो रिटेल प्राइस का बन ये सब होती है थोड़ा होगी फरहान राइस और अजमेर के ड्राइवर में फरहान राइस। आप अजमेर देख सकते हैं, आगे से भी आपको दिखाते हैं 50 kg मिल गया, चलो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ राइस। जैसे भी आप देख सकते हैं ये अजमेर राइस है, इधर 5 kg और 10 kg मिलते हैं। अभी बोलेंगे वो अभी वीडियो में भाई। और आप ये देख सकते हैं अजमेर राइस, हिमाचल बहुत पुराना राइस है, अलग है अजमेर राइस देख सकते हैं आप। ये इनका काउंटर है। सो गाइस हम आ गए हैं कराची की सबसे बड़ी होलसेल शॉप पर, ये है जोड़िया बाज़ार में, इनकी शॉप का नाम है मक्का और ये बहुत ज़्यादा अच्छे रेट देते हैं। अगर जैसे कि रिटेल 2800 रुपये है तो इनके पास 2400 2300 तो 2500 रुपये मिलेगा ठीक है। और ये प्योर में काम करते हैं, लोकल काम नहीं करते हैं, जो ऑयल में स्मेल आए बदबू आए वो लेते ही नहीं, ये लोग सेल करते ही नहीं, ना परचेज करते हैं ना सेल करते हैं, इनकी ये क्वालिटी है। जो ऑलियन ऑयल होता है वो यूज़ कर ये लोग सेल करते नहीं हैं, इनके पास सारा अच्छा माल होता है ठीक है। तो ये फैजान भाई है माशाल्लाह से, और कभी अगर आपको आना हो तो इधर, अगर अपने कभी अपनी शॉप खोली तो इधर लोकेशन आराम से जोड़िया में हर किसी को पता है यहाँ पे मक्का ले। तो आ चुके हैं ये सकई वाले हैं सारे, ये सकई तोड़े से हम लोग की वीडियो बना रहे हैं, मैं पुराना कस्टमर हूँ उनका, उनको जानता हूँ और फैजान भाई का। ये आ गए हम लोग वगैरह कहाँ फदा फैजान भाई नजर नहीं आ रहे हमें तो। हाँ कहाँ फैजान भाई, फैजान भाई कहाँ, नमाज पढ़ने गए हैं, चलो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं उनका। तो अभी इनसे अपडेट लेते हैं कि रेट क्या चल रहे हैं आजकल, तो फैजान भाई आप हमें कुछ अपडेट दें क्योंकि पेट्रोल तो थोड़ा कम हुआ है, तो रेट इधर कम हुए ही नहीं हुए? नहीं अभी तो कोई खास कमी नहीं आई है भाई, कोई खास कमी नहीं है अभी तो, वही रेट नहीं है, मजे तो भी बढ़ रहे हैं। और बट के दाने में बट से भी वही रेट है जो अभी चल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह हमसे ना थोड़ा सा सामान लेने आए तो मैं आपको घर में बता दूंगा कि मैंने कितने का लिया, क्या रेट पड़े ठीक है। हमारा थोड़ा बहुत सामान हो रहा है थोड़ी देर में, तो हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है और हम गाड़ी में लोड कर आते हैं, आपको वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे। और ये रहे यहाँ पे मुंशी सारे, इसका मुंशी बैठे हुए यहाँ पर माशाल्लाह, और ये इरफान भाई, ये अब यहाँ काउंटर बने हुए हैं आप देख सकते हैं। और आप लोग का जगह का भी विजिट करवा दिया, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस हमारा ये बिल बना था, तो आप इसमें डेट और टाइम सब कुछ देख सकते हैं ठीक है। गाइस माशाल्लाह से हमने माल लोड कर लिया है गाड़ी में, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी लोड हुई है फुल ना, तो ये मैक्सिमम 11 कट्टे हमारे चढ़े हैं और 400 kg इसका वेट है। और यह है कि गाड़ी अब हमें आराम आराम से चलानी पड़ेगी, और आपको पता है ट्रैफिक भी कितना होता है, और हमें जाना है कम से कम मेरा घर यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं गाइस, सामान ऊपर जा रहा है माशाल्लाह से, ये हमने 2 मजदूर आए करें, हमारे कट्टे चढ़े हैं कम से कम 11, आपको मैं पर्ची भी दिखाऊंगा। और ये हमारी चौथी मानो पर है जहाँ हमने बकरियाँ पाली हुई है, तो वहाँ लेकर। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, थैंक यू। वालेकुम गाइस, हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, उनकी बाइक का पेट्रोल हो गया था थोड़ा सा ख़त्म, और यहाँ से पेट्रोल पम्प काफ़ी दूर, तो एक ये रहा, दो और हैं वो घर गए पानी की बोतल लेने। तो मैंने यहाँ बेटा घर करीब है तो पेट्रोल भी मिल सकता है, तो बोल रहे हैं यहाँ हमारे घर, तो चले कोई बात नहीं। एक तो छोटे छोटे 9 या 8 के होंगे, क्या कौन सी क्लास में बेटा? ये माशाल्लाह तो बोतल भी बहुत अच्छी लेकर आया है, आबे जमजम की बोतल लेकर आया है, तो इसलिए मुझे और अच्छा लगा कि अच्छा है भाई। ये रहे ये तो डाल दो बेटा, डालना आता है ना आपको पेट्रोल? तो बस बेटा दुआओं में याद रखना हमें।